इस वीडियो में गाइस हम कुछ इस तरीके की फोटो एडिटिंग सीखने वाले हैं, तो वीडियो को चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मेरी जान, सबसे पहले आपको ओपन करना है बैकग्राउंड ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। अब बैकग्राउंड गाइस आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वीडियो देखने के बाद आराम से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब प्लस इंपोर्ट फोटो पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। अगर गाइस आप लोगों को फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो कमेंट करना, मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ऑलरेडी से कमेंट कर रखा है, तो सॉरी फॉर द थोड़ा लेट हो रहा है, बट वीडियो जल्द ही आने वाला है बैकग्राउंड इरेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब गाइस फोटो ऐड करने के बाद अपने फेस को यहाँ पर मैं स्मूथ करूँगा, तो फेस को स्मूथ करने के लिए सिंपल ब्रश लेना है आपको, ये वाला स्मज ब्रश, एंड इसकी सेटिंग में आ जाना है। अब इसका सेटिंग में जो एज इट इज़ रख रहा हूँ आप लोग सेम रख लेना, एंड साइज तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। चाहे तो गाइस यहाँ से भी ब्रश का साइज सेट कर सकते हैं, एंड ये शॉर्टकट तरीका है ब्रश का साइज सेट करने का, एंड हम इस तरीके से अपने फेस को स्मूथ करेंगे। और हाँ मेरे भाई, मुझे अभी तक आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं जानते हो तो इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो कर लेना। चलो हमने फेस को अभी स्मूथ कर लिया, अब मैं यहाँ पर अपने लिप्स को थोड़ा सा रेड करूँगा, तो लिप्स को रेड करने के लिए एक एम्पिटी लेयर बनाऊँगा, एंड इस एम्पिटी लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करके कर दूँगा मैं मल्टीप्लाई पे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर कलर्स में आना है, एंड यहाँ से कलर पिक कर लेना है, और यहाँ से हम अपने लिप्स के ऊपर से कलर पिक कर लेंगे सिंपल इस तरीके से। एंड कलर पिक करने के बाद कलर में दोबारा चलेंगे, एंड यहाँ से हम इस कलर का सैचुरेशन बढ़ा के हम इतने ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल डन करेंगे, डन करने के बाद ब्रश वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, एंड यहाँ से हम लेंगे मीडियम ब्रश, ये वाला देखो, ओके। एंड इसकी सेटिंग ओपेसिटी आपको अमाउंट फुल रखना है, एंड साइज़ तो आप लोग अपने हिसाब से देखना, एंड इस तरीके से हम अपने लिप्स के ऊपर इस कलर को अप्लाई करेंगे। अब मेरी जान, हमने कलर तो अप्लाई कर दिया बट ये बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है, मतलब लड़की बना दिया हमने, तो इसको हम कम करेंगे ओपेसिटी अमाउंट यहाँ से देखो, एंड हम हल्का फुल्का रखेंगे, मतलब नेचुरली जो पिंकनेस होती है लिप्स पे वो वाला हम रखेंगे, ठीक है। इतना भी रेड नहीं करना है, नहीं तो भाई लड़की से कम नहीं लगोगे, है ना। एंड सिंपल गाइस, हम अब फोटो में ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले हैं, तो फोटो को गाइस यहाँ पर हम थ्री डॉट वाले आइकन पर क्लिक करके फोटो को हम सेव कर लेंगे, ओके ना गाइस। तो हम फोटो को सेव करने के बाद हम फोटो को ओपन करेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन में। अब लाइट रूम में फोटो को ओपन करने के बाद सिंपल हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर लाइट का एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हैं, सिंपल हम चलेंगे कलर्स वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ से हम सबसे पहले वाइब्रेंट सब बढ़ा लेंगे इतना थोड़ा सा, एंड चलेंगे मिक्स कलर में। अब मिक्स कलर में आने के बाद रेड कलर है तो इसको हम रहने देंगे, ऑरेंज कलर पे आएंगे, एंड इसका सैचुरेशन माइनस करेंगे, ह्यू थोड़ा सा माइनस करेंगे, एंड ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा सारा चीज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना। एंड यहाँ पे येलो कलर पे आना है, येलो कलर का देखो मैं ये सेटिंग रख रहा हूँ, एंड देखो मैं जैसा जैसा सेटिंग रख रहा हूँ ना, आप लोग सेम रख लेना। ओके, तो हमारा गाइस यहाँ पर कलर का एडजस्टमेंट अब हो चुका है, तो सिंपल हम डन करेंगे, एंड डन करने के बाद गाइस इसके हम ऊपर वाले जस्ट लाइट वाले ऑप्शन पे आएंगे, एंड यहाँ पर हम शेडोज़ को बढ़ा रहे हैं, हाईलाइट्स कम कर रहे हैं, एंड कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, वाइट बढ़ाया, एंड ब्लैक को माइनस कर दिया, ठीक है। अब सिंपल मैं यहाँ से डन कर देता हूँ, तो हमारा फोटो एडिटिंग यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। तो यही था गाइस आज के हमारे वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे पता है यार, बिना बोले लाइक कर दोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।